हेलो गाइस, चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनका लव मैसेजेस आपके लिए। तो पहला मैसेज है, वी कैन चैट फॉर एवर। तो कह रहे हैं कि और आप हमेशा चैट कर सकते हो। पूछ भी रहे हैं क्या हम हमेशा हमेशा चैट कर सकते हैं। जवाब जरूर दीजिएगा इनको। जब ये पर्सन आपको ऐसा एसेस करते हैं, पूछते हैं, तो ठीक है, इनकी यही मुझे इच्छा दिखाई दे रही है। You would travel long distances to see me. I'm sorry guys, मैं थोड़ा सा सोच रही थी, ठीक है। यानी कि ना मैं ये सोच रही थी, अगर आपके पर्सन और आपके बीच किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स भी हुई है ना, तो भी आपके पर्सन आपके साथ हमेशा चैट करना चाहते हैं, ठीक है, हमेशा हमेशा चैट करना चाहते हैं। ब्रेकअप नहीं चाहते, सेपरेशन नहीं चाहते। इनके और आपके बीच जो कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये पर्सन आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हमेशा हो, हमेशा आप दोनों के बीच बातचीत हो, ये बातचीत, ठीक है, कम्युनिकेशन कभी ब्रेक ना हो। आपके पर्सन ये चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो इनका पहला मैसेज यही है। दूसरा मैसेज बता देती हूँ, यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, ये और आप दूर दूर रहते हो एक दूसरे से, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कुछ लोग ले कि ये पर्सन किसी और कंट्री में, या आप किसी और कंट्री में या अलग प्लेस पर रहते हो, किसी और सिटी, किसी और स्टेट में, और ये पर्सन जहाँ रहते हैं और जहाँ आप रहते हो वहाँ के बीच दूरी बहुत बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आपने इनके लिए, इनसे मिलने गए, ठीक है, इतनी दूरी की यात्रा आपने की, ठीक है, सिर्फ इनसे मिलने के लिए। तो वो दिन को आपके पर्सन बहुत 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 याद करते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने को आए थे, ठीक है। ज़रूर बताइएगा मुझे किसने किया था ये, कि आप दोनों ने की थी। इनका नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। ओके, ये यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। आप हमेशा इस पर्सन को सरप्राइज करते रहते हो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें करके इनको हमेशा सरप्राइज देते रहते हो, ठीक है। आप इनके लिए हमेशा अच्छा ही करते हो, इनकी खुशी के लिए, ठीक है, इनको सरप्राइज देने के लिए हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें आप हमेशा करते हो, जो कि आपके पर्सन हमेशा याद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज क्या है इनका, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो आप वो पहले पर्सन हो, ठीक है, जिससे ये पर्सन जो भी चीज़ें हो, ठीक है, इनकी लाइफ में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ये पर्सन शेयर करते हैं, ठीक है, बताते हैं, वो आप पहले पर्सन हो। नेक्स्ट मैसेज क्या है, व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं, ऐसा लगता है इनको कि ये पर्सन खुद के ही साथ हैं, ठीक है। मुझे ये कहना चाहिए यहाँ पर कि ये पर्सन आपको कोई अदर पर्सन नहीं मानते, ठीक है, ये आपको स्वयं मानते हैं, समझ रहे हो ना आप, ठीक है, आपको कोई अलग नहीं मानते कि ये अलग हैं, आप अलग हो। हाँ, आप दोनों की बॉडी अलग है, बट आप दोनों का सोल एक ही है, ठीक है। ये पर्सन दो दिल एक जान कहना चाहिए मुझे, ठीक है, हाँ, ये वर्ड सही है क्या, है ना, दो दिल एक जान, ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। नेक्स्ट मैसेज क्या है इनका, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो जैसा आप इनको रिस्पेक्ट देते हो ना, ये बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत पसंद करते हैं ये। तो गाइस, ये है आपके पार्टनर का लव मैसेजेस आपके लिए, और मैं टैरो रीडिंग भी करना चाहूँगी, ठीक है। हम टैरो से भी देखते हैं कि आपकी पर्सन की एनर्जी और क्या है। ये शॉप का अच्छी कार्ड खुद से आया, क्या कहते हो, मुझे लेना चाहिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लेना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं कितना 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 प्यारा मैसेजेस इन्होंने आपको दिया है, ठीक है, रीडिंग के थ्रू।
और ये कार्ड का भी आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा शाइन है ये, ठीक है। एस ऑफ कप्स तो एक नई शुरुआत का होता है, न्यू बिगनिंग का होता है। अगर ये पर्सन और आप हस्बैंड और वाइफ हो तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि ये पर्सन बेबी से आते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन किसी और से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, या तो आप ले रहे हो, और ये आपको बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जितना आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सुन रहे हैं लोगों से, उतना ये पर्सन बिल्कुल डिस्पेरेट हो रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। और अगर इनको और आपके बीच फाइट हुई थी तो हो सकता है वजह कोई तीसरा है, या तो कैरियर है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या इन्होंने किसी और ने आप दोनों को भड़काया, किसी एक को भड़काया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि किसी और ने इनको भड़काया या तो आपको भड़काया, आप दोनों के बीच फाइट हुई और आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, और अब इनका फोकस कैरियर पर है, आपको भी याद करते हैं, एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, और आपका भी फोकस इन पर बना रहता है, ठीक है। तो आप दोनों ने ही मूव ऑन नहीं किया, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत चाहते हो, ये मुझे एनर्जी मिला यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, और जो भी डार्क सिचुएशन था, जो भी आप दोनों के बीच डार्कनेस था, ठीक है, उसका बिल्कुल एंड हो चुका है, और एक नई साइकिल मुझे बिगन होते हुए दिखाई दे रहा है, एक नई साइकिल स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, खूबसूरत होगा, आप दोनों को वापस से लाएगा, ठीक है। आप दोनों डिस्टाइंड पार्टनर हो सकते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के दुनिया हो, वर्ल्ड हो, और आप दोनों एक दूसरे के वर्ल्ड को पूरा करते हो, और आप दोनों वापस से आओगे, ठीक है। यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे कि आप दोनों वापस से साथ में आओगे, क्योंकि आप दोनों ही साथ हो, आप दोनों ही ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले ये ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया, आप दोनों के बीच फाइट हुई है, कितना ज़्यादा आप दोनों के बीच फाइट हुआ है, लड़ाई हुआ है, पर बावजूद इसके भी आप दोनों ने मूव ऑन नहीं किया है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र बना के रखे हुए हो, एक दूसरे को स्टॉक करते हो हमेशा, आप दोनों का ही नज़र एक दूसरे पर होता है, ठीक है। भले ये कितना भी बिजी रहे, या आप कितना भी बिजी रहो अपने लाइफ में, पर थोड़ा सा वक्त निकाल कर एक दूसरे को ज़रूर याद, एक दूसरे को देखते हो, ये कहना चाहिए मुझे, ठीक है। या तो हमेशा करते हो, पर थोड़ा सा वक्त निकाल कर कि यार इसका लास्ट टाइम क्या है, या डिबिन में इसने क्या रखा है, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, तो वो होता है। और अगर आप दोनों के बीच कोई कॉमन फ्रेंड है तो उनके भी थ्रू से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आप दोनों को ही, या तो आपके पार्टनर को, और हो सकता है कि आपका फोकस अपनी लाइफ पर है, पर इनका फोकस आप पर है। गाइस आई एम सॉरी यार, आपको आवाज़ तो आ रही थी ना, आई एम सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आई होप आपको आवाज़ आ रही थी। तो चलिए रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे यही रीडिंग में आ रहा है गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, रीडिंग में यही निकल कर आया है कि भले आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, पर आप दोनों ना एक नई शुरुआत चाहते हो, सिर्फ आप ही नहीं चाहते, या सिर्फ आपके पार्टनर नहीं चाहते, आप दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हो, यूनियन चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हो, पर यह हो सकता है कि वो पहले मैसेज करे, वो पहले कॉल करे, इसका वेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो वेटिंग पीरियड है उसका एंड दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत आपके पार्टनर कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप एक फीमेल हो और आपके पार्टनर एक मेल है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, और अगर आप एक मेल हो तो शुरुआत आप ही कर सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कुछ कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, पर मैं जहाँ देख पा रही हूँ मैंने वो आपको बताया, ठीक है। तो यस, किस्मत आप दोनों को वापस से मिलाने वाली है, आप दोनों को साथ में लाएगी। तो ये है आपकी रीडिंग, ऑल साइंस आ चुका है, कैंसर स्कॉर्पियो पैशिस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरिस लियो सेजिटेरियस है, और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है, ओके।
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग बैक ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और वीडियो पर भी आ रहा होगा। तो बाय, लव यू, अपना बहुत 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 अच्छे से ख्याल रखें, सेल्फ लव करें और खुद को वैल्यू दें, खुद का रिस्पेक्ट करें। बाय।